I think the biggest issue that I had during the process of filmmaking was the absence of Nikhil's consent. So we had his aunt's consent and we had the teacher's consent, but Nikhil, although he was aware of the camera, he was never really told why the film is being made or for what reason these three people are coming and filming him on a regular basis. But he was quite aware of the camera, so that made things easier. Difficult as well, because while filming, he came to us, he was fiddling with the camera, he couldn't stay in one place. Yeah, he couldn't stay in one place. We couldn't tell him to act in a certain manner. So after a point of time, we had to run behind him to take his shots. Quite frustrating. It was very frustrating and difficult for us to shoot. And I think he landed up challenging us way more than... It made me also question this idea of diagnosis, and you know, you're diagnosing Nikhil as an autistic child, or you know, in his case the question of autism is kind of dubious, but what does it mean to be socially competent? Nikhil relates to us in a different way as compared to how we relate to each other and so on. Like we are in today's world, in some sense we are quite disconnected from each other, right? So the condition is deeply human at that level, right? How can we say he's autistic or disabled? What does it mean to be normal? So I don't know, but at the end, I guess it was worth it. निखिल मेरे बेटे समान है, मैं उसको एक बच्चे की तरह पालती हूँ. निखिल मेरे साथ अच्छे से रहता है बहुत. अगर मैं नहीं आऊँ काम से तो पूछता है अत्याने आली ऐसे करके. निखिल अच्छा लड़का है. स्कूल जाना, स्कूल से आना, और घर में थोड़ा यहाँ वहाँ, अगर मैं बाहर कहीं जाऊँ तो अपने साथ थोड़ा बहुत उसको लेकर जाना. किसी में घुलना मिलना नहीं पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है, दोस्तों के साथ नहीं खेलता है, किसी के साथ नहीं खेलता है, यहाँ तक कि अपनी बहन के साथ भी नहीं खेलता है. वो मेरे साथ क्लोज है, वैसे अपने पापा के साथ भी है, पापा से थोड़ा डरता है, लेकिन मेरे से नहीं डरता है. अगर गुस्सा आया तो मुझे मारता भी है वो. मैं निखिल के, जब से उसकी माँ गुजर गई, मैं निखिल को तब से संभालती हूँ, तब से मैं निखिल को देखती हूँ. जब उसकी माँ थी तो मैं नहीं थी, मैं कहीं और काम पे चली गई थी. अब उसकी माँ नहीं है तो मैं निखिल को देखती हूँ. मैंने निखिल को छोटे से लेकर बड़े होते हुए देखा है. निखिल बचपन में ऐसे हंसमुख स्वभाव का है बहुत, हमेशा हंस हंस के बात करेगा सबसे. रास्ते में कोई मिलेगा तो अंकल आंटी हर किसी को बुलाएगा, हर किसी से मिलेगा जुलेगा, सबसे बात करेगा. और कभी कभी गुस्सा आएगा तो ऐसे हाथ से मारेगा भी फटका. ऐसे एक दिन तो खेलते खेलते बाहर गार्डन में हमने उसको दोपहर को भेज दिया, खेलते खेलते वो बाहर चला गया. 10 मिनट हो गए, हमने सोचा निखिल आया नहीं अभी तक. आधा घंटा हुआ, अभी तक निखिल आया नहीं, कहाँ चला गया. इसलिए हम पूरा ढूंढते रहे, सिक्योरिटी से पूछा, बाहर खड़े हैं उनसे, फिर जूस वाले से पूछा, उन्होंने कहा भाई उधर चेंबूर नाका है, वहाँ चला गया. हमने उसको वहाँ जाते हुए देखा निखिल को. फिर हम देख रहे थे निखिल कहाँ है. निखिल रोड क्रॉस करके पुलिस मैन के सामने जाके खड़ा हो गया.
और हम डर के मारे वहीं पे मैं रोना शुरू कर दिया मैंने। निखिल जब स्कूल जाता है तो बहुत तंग करता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है वो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल नहीं चाहिए। रास्ते में बैठ जाता है या सो जाता है, अपने जूते वूते निकाल के फेंक देगा, सब कुछ फेंक देगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा करके। फिर मैं वहीं से ऑटो करके उसको स्कूल लेके जाती हूँ। स्कूल जाने के बाद चुप हो जाता है, फिर वहाँ कुछ करता नहीं है। हम लोग को जो एरो नर्सरी है उसमें डाला था, क्योंकि मेरे को मेरी ख्वाहिश थी कि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन बाद में जब उसको थोड़े दिन के बाद थोड़ा बुखार आया था, वो बुखार के बाद पाँच से छः दिन मैं हमेशा इसका ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट के पास करता था। जो स्पेशलिस्ट है उसके पास लेके गया तो 5-6 दिन वो एडमिट था। तो उसके बाद हम लोग को थोड़ा डाउट आने लगा कि इसका कुछ प्रॉब्लम है करके, कि कुछ प्रॉब्लम है करके इसका। तो हम लोग डॉक्टर को भी पूछा था, डॉक्टर ने जो उसका वो रहता है अपना ABCD सब, वो पूरा अल्फाबेटिक पूरा ही पढ़ता था, तो वो बोलता तुम लोग को ऐसे ही लगेगा हमेशा। वो हिसाब से वो थोड़ा डाउट आने लगा। तो अपना संगीता टॉर में हमारा मैडम है जो सेवा सदन में सर्विस में थी पहला, उन्होंने बताया कि एक बाबा इसको थोड़ा प्रॉब्लम है करके। तो उन्होंने इनको पहचान लिया कि ये लड़के में कुछ कमी है करके, तो उन्होंने हमको स्कूल के बारे में बताया। फिर हम इसको ट्रीटमेंट साइन हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ चेकअप करने बोले पूरा चेकअप कर लिया। सबको पहचान था, माँ कौन है, अब नेबर कौन है, सिस्टर कौन है इसकी, तो वह उसको सब उनके और रिस्पेक्ट से बात करता है। Okay, I think in my experience as a special educator since the last 30 years, one of the biggest problems that has been in terms of diagnosis and subsequent intervention that comes in. We tend to follow the biomedical model and go in for a clinical diagnosis and state that this child is, having a mental disability or, ADHD. But what has helped in terms of our interventions at the school that I taught was to have a kind of a differential diagnosis and a dual diagnosis. So one is you look at the clinical diagnosis, you may not look at it in terms of, okay, this child comes to you with a 70 IQ or a 20 IQ, but what is more important is what are the psychosocial aspects that get affected. So we look in terms of behavioral skills, we look in terms of social skills, interpersonal relationships, functional competence skills. What is significant about this approach is it is done according to the needs of the child and of the family, not of the school. I think this is how we dealt with issues, and the results were good because we were not only taking care of the medical problems, we were taking care of the associated allied problems.